परी की शादी का जादुई नेकलेस। हेलो दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है परी की शादी के जादुई नेकलेस की कहानी। तो चलिए दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं। परी देश में एक शनाया नाम की परी रहती थी। उसके परिवार में कोई भी नहीं था, वह अकेली रहती थी और बहुत ही गरीब थी। कुछ समय बाद परीलोक की रानी परी की बेटी की शादी थी। उन्होंने एक सुनार परी को एक बहुत ही बड़ा सोने का जादुई नेकलेस बनाने के लिए कहा। वह सुनार बहुत ही लालची थी और स्वभाव से बहुत ही बुरी थी। इतने सारे पैसे देखकर उसके मन में लालच आ गया। वह उन सारे पैसों को हड़पना चाहती थी, इसीलिए उसने एक प्लान बनाया और रानी परी को सोने के नेकलेस की जगह एक नकली नेकलेस लाई और शनाया परी को देते हुए बोली, जा और जाकर इसे रानी परी को दे दे, फिर मैं तुझे कुछ पैसे खाने के लिए दे दूंगी। और रानी परी से कहना कि मैं बहुत ही जरूरी काम से जा रही थी, इसीलिए तू आई। ठीक है, मैं दे दूंगी। शनाया परी वह नेकलेस लेकर रानी परी के पास पहुंच जाती है और उन्हें नेकलेस दे देती है। फिर कुछ समय के बाद रानी परी की बेटी को पता चल जाता है कि वह नेकलेस सोने का नहीं बल्कि नकली है। रानी परी एक परी से कहकर सुनार परी को बुलाती है। कहीं रानी परी को पता तो नहीं चल गया कि मैंने नकली नेकलेस दिया है? अगर ऐसा हुआ तो पता नहीं क्या होगा, पर जाकर देखना तो होगा ही। फिर वह परी रानी परी के पास पहुंच जाती है। रानी परी बोली, ये सब क्या है? ये नकली नेकलेस देने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। नहीं रानी परी, मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता कि ये सब क्या है। मुझे एक जरूरी काम था, इसीलिए मैंने शनाया परी को नेकलेस दिया था ताकि वो आपको दे दे। मुझे क्या पता था कि वो इतना लालच करेगी और वह नेकलेस बदल कर उसकी जगह नकली रख देगी। रानी परी, मैंने कुछ भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता ये सब कैसे बदल गया। रानी परी शनाया परी को आरोपी मान लेती है और उसे सजा देने ही वाली थी। शनाया परी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह एक अपराधी की तरह खड़ी हुई थी और कुछ नहीं कर सकती थी। सुनार परी बोली, रानी परी अब मैं घर जाऊं। वह घर जाने लगती है, तभी वहां एक परी आई और बोली, रानी परी शनाया परी ने कुछ नहीं किया है, चोर तो ये सुनार परी है। इसने मेरी दुकान से एक नकली नेकलेस लिया था, मुझे नहीं पता था ये इसलिए ले रही थी, वरना मैं कभी नहीं देती। मुझे अभी इस सब के बारे में पता चला है। रानी परी को बहुत ही गुस्सा आता है और वह उस सुनार परी को बहुत ही कड़ी सजा सुनाती है और शनाया परी की गरीबी के बारे में जानकर उसे एक घर और कुछ पैसे देती है। शनाया परी बहुत ही खुश हो जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सौतेली बेटी। हेलो फ्रेंड्स, एक और कहानी। यह कहानी शुरू होती है एक बहुत ही खूबसूरत परीलोक से। उस परीलोक में एक सौम्या नाम की परी अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थी। सौम्या परी की माँ भले ही उसकी सौतेली माँ थी, पर फिर भी वह सौम्या परी से बहुत ही प्यार करती थी। पर सौम्या परी उस परी को बिल्कुल भी अपनी माँ नहीं मानती थी। सौम्या परी की एक बहन भी थी जिसका नाम दिव्य परी था। पर दिव्य परी अपनी सौतेली माँ से बहुत ही प्यार करती थी, इसीलिए सौम्या परी दिव्य परी से नफरत करती थी। एक दिन सौम्या परी किसी काम से बाहर जा रही थी, तभी उसकी माँ बोली, बेटा कहाँ जा रही हो? खाना भी ले जाना, अगर भूख लगे तो खा लेना। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है
मैं कहीं भी जाया करूं, तो मेरे सामने मत आया करो। और तुम्हारे हाथ का खाना खाने से अच्छा है कि मैं भूखी ही रह जाऊं। और वैसे भी तुम मेरी कोई माँ नहीं हो, इसीलिए माँ की तरह मुझ पर हक जताना बंद करो। मेरी माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता। और ये दिखावा करना बंद करो। मैं जानती हूँ तुम ये सब नाटक कर रही हो। तुम्हारी बातों में दिव्य परी आ सकती है, मैं नहीं। समझी? अब हटो यहाँ से। उसकी सौतेली माँ दुखी होकर वहाँ से चली जाती है। एक दिन दिव्य परी अपनी माँ से बोली, सौम्य परी को क्या हुआ है? वो आप पे विश्वास क्यों नहीं करती? उसकी सौतेली माँ बोली, तुम चिंता मत करो, वो बस मुझसे नाराज है। वो कुछ ही दिनों में मुझसे बात करने लगेगी। ये सारी बातें सौम्य परी सुन लेती है और कहती है, इन्हें लगता है मैं इनकी साइड में हो जाऊं और फिर इनकी गुलामी करूं। ये कभी नहीं हो सकता। बस अब बहुत हो चुका, मुझे इन्हें सबक सिखाना ही होगा। मुझे कुछ तो करना होगा। एक काम करती हूँ, इस सौतेली माँ को ही खत्म कर देती हूँ, फिर सारी झंझट ही खत्म। यही करना होगा। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और एक जंगल में पहुँच जाती है। वह सोचती है, कुछ तो करना ही होगा, मैं और नहीं सह सकती। मैं कुछ ज्यादा ही अच्छे बनने का नाटक करती है। एक काम करती हूँ, मैं उसे बेहोश कर देती हूँ और फिर इस जंगल में लाकर मिट्टी के अंदर दफना दूंगी। किसी को पता भी नहीं चलेगा। यही करती हूँ। फिर सौम्या परी वहाँ से चली जाती है और अपने घर पहुँच जाती है। वह सोचती है, मैं थोड़ा नाटक करती हूँ, फिर ये मेरी बातों में आ जाएगी। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से बोली, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाई हूँ, आपको खाना है? उसकी सौतेली माँ वह खाना खा लेती है और बेहोश हो जाती है। सौम्या परी उसे लेकर जंगल में चली जाती है और एक गड्ढे में दफना देती है। पर यह बात किसी तरह दिव्य परी को पता चल जाती है और कुछ ही देर में वह वहाँ आ जाती है और कहती है, ये तुमने क्या किया? तुमने माँ को गड्ढे में दफना दिया और वो भी जिंदा? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? वो तो तुमसे कितना प्यार करती थी, फिर तुम ये सब कैसे कर सकती हो? तुम इसके बहकावे में आ सकती हो पर मैं नहीं। ये सब ये नाटक कर रही थी। कुछ ही देर में वहाँ रानी परी आती है और सौम्या परी को सजा देती है और उस परी को गड्ढे से बाहर निकालती है। वह परी बोली, रानी परी मेरी बेटी को माफ कर दीजिए। रानी परी उस परी के कहने पर सौम्या परी को माफ कर देती है। सौम्या परी अपनी सौतेली माँ से माफी मांगती है और उसकी माँ उसे माफ कर देती है। और सौम्या परी अपनी सौतेली माँ के साथ और अपनी बहन के साथ खुशी से रहने लगती है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।